हैंडीक्राफ्ट है, पेंटिंग है, आर्ट है। जब लगावे लू तू लिपस्टिक ही ले लाया रेड स्टिक, पहली पहल छट करेली, गांव नगरिया घाटे घाटे उमरल यूपी बिहार। तो हम प्रगति मैदान के बिहार सेक्शन में हैं। यहाँ पर बिहार से कुछ खूबसूरत लोग भी आए हैं। आइए जानते हैं कि बिहार क्या है उनके शब्दों में। एकता जी बताइए, आपके लिए बिहार क्या है? बिहार एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ से लोग आते हैं, और वहाँ पर जो काम होता है वो बहुत ही मेहनत से किया जाता है। वहाँ पर लोग अपनी मेहनत का बहुत अच्छे से, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट है, पेंटिंग है, आर्ट है, ये सब बहुत ही मेहनत से किया जाता है। वो अपने काम में बहुत ही लॉयल रहते हैं। ये सब बिहार में बहुत फेमस है। वहाँ का बुद्धिज्म एजुकेशन है वो भी बहुत फेमस है। पेंटिंग है, हैंडीक्राफ्ट है, ये सब वहाँ पर बहुत ही फेमस है। वहाँ की कल्चर है, फेस्टिवल्स हैं, जैसे छठ पूजा जो कि अभी रिसेंट निकला है, वहाँ का बहुत फेमस फेस्टिवल पूरी दुनिया में मशहूर है, बहुत मशहूर है। आज के टाइम पे छठ पूजा बहुत ही मशहूर है वहाँ की। गीतू जी ये बताइए कि बिहार आपके लिए क्या है? आप अगर बिहार से दिल्ली आई हुई हैं तो बिहार की कौन सी चीज़ें आप मिस कर रही हैं? सर, बिहार की सबसे ज़्यादा मैं अपनी छठ पूजा मिस करती हूँ, क्योंकि वो बिहार की सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है। खूबसूरत चीज़ है। इसके अलावा बिहार के खाने, कल्चर और वहाँ की बिहारी सॉन्ग्स, बिहारी भाषा भी मशहूर है, तो हमें उन चीज़ों के बारे में आप बताइए। सर, वहाँ की बिहारी भाषा तो, बट सर मैं पटना में ही, मेरा जन्म हुआ है और मैं पटना में ही, मेरा जो ससुराल है वो गया में, ठीक है, और गया में जो बुद्ध भगवान ने बोध किया है वो बिहार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय, वो बिहार के लिए बहुत फेमस है। बिहार नहीं, वो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। पहली यूनिवर्सिटी है दुनिया की जो है बिहार में बनी थी। और सर, बोध गया जो है वो बुद्ध भगवान के लिए, जैसे कि लोग बिहार से आते हैं बुद्ध भगवान, गया में बुद्ध भगवान को देखने आते हैं, वहाँ घूमने आते हैं, टूरिज्म है, टूरिस्ट के लिए आते हैं, लोग घूमने आते हैं। वहाँ बुद्ध भगवान ने बरगद पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था, जिसे बोध गया कहते हैं सर। तो हमें ये और सर, गया जो है वो हमारा जो ये पितर पक्ष जो होता है, जहाँ पे लोग पिंड दान करते हैं, जो सारे पूरी दुनिया के लोग आते हैं, तो सर जो भी लोग होते हैं वहाँ पिंड दान करने आते हैं, जिससे कि वहाँ की मोक्ष प्राप्ति होती है। नेहा जी हमारे साथ, नेहा जी हैं जो बताएंगी गानों के माध्यम से कि बिहार क्या है, बिहार की बोली भाषा जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर आप कुछ सुनाइए मैम, हमें बीके न्यूज को बताइए कि बिहार क्या है, बिहार की वो लोकल लैंग्वेज जो पूरी दुनिया में मशहूर है। बिहार में एक्चुअली भोजपुरी लैंग्वेज बोली जाती है। बिहार में अलग अलग लैंग्वेजें बोली जाती है, दरभंगा लैंग्वेज होती है और सबकी अपनी अपनी अलग अलग भोजपुरी लैंग्वेज होती है। भोजपुरी की बात करें तो आप हमें कुछ सुना के ही बताइए कि भोजपुरी क्या है। जब लगावे लू तू लिपस्टिक ही ले लाया रेड स्टिक, जिला टॉप लागे लू हो, जिला टॉप लागे लू, कमरिया 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 करे लापलाप, लॉली पॉप लागे लू, पहली पहल छट करेली। ओ गहो सूरज देव, गहो सूरज देव भैले बिनु सार, मिल के करे पुकार, सेवका करे पुकार, गांव नगरिया घाटे घाटे उमरल यूपी बिहार, मिल के करे पुकार, सेवका करे पुकार। तो ये हमारे साथ बिहार के कुछ खूबसूरत लोग थे जो बिहार को खूबसूरती बयां कर रहे हैं। वहाँ का स्वर्णिम इतिहास, प्रेजेंट टाइम और भोजपुरी जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उनको हमने सुना और उनके गाने को भी हमने सुना। तो ये था पूरा माहौल बिहार का, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए बीके न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।